जब कोई भी इंसान आपको अनसर्टेनिटी में ये बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, तो आपके चेहरे का रंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है और आप ये बात सुनकर के हैरान हो जाते हो कि ये इंसान मेरे लिए इतनी अच्छी बात क्यों बोल रहा है। और यकीन मानिए, जब ऐसा कोई भी कमेंट जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड लगता है, जब आप अपने लिए सुनते हो तो हमेशा आप उसका रीजन जानना चाहते हो। ये एग्जाम्पल कभी भी देख लेना, कभी भी आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा। तो जब आप ये ऐसे ऐसे वर्ड सुनते हो अपने लिए कि यार तू बहुत बढ़िया है, या तूने बहुत बढ़िया काम किया, या तू बहुत सही चल रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस ना अगर 10 पे था ना 100 में से, तो वो ऑटोमेटिकली 70 पे पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप हमेशा जब भी सुबह उठते हो अपने लिए अच्छा बोलो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो तब अपना अपने आप को ये बोलो कि तू ही बहुत बढ़िया इंसान है, तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कई बार भगवान आपके साथ ऐसी बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि भगवान मेरे साथ कर क्या रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ। क्या हो सकता है उस समय आप ये सोच सको कि हो सकता है कि भगवान ने इस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे चुना हो कि इतनी खतरनाक सिचुएशन सिर्फ ये एक्स इंसान ही फेस कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता? क्या ये बात सोच सकते हो? कई बार ऐसा होता है कि आपके टीचर ने सिर्फ आपके एग्जाम में, या आपके सीनियर ने, या आपके मैनेजर ने एक वर्ड बोल दिया कि यार एक्स इंसान बहुत बढ़िया है, या फिर आपको बोल दिया यार वेरी कीप इट अप। आप हल्का सा एक वर्ड सुनते साथ ही इतना मोटिवेट हो जाते हो कि यार आप उस समय जमीन पे पैर नहीं रखते हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा हर सुबह आप अपने आप को इतना वजनदार वर्ड बोलो? अब उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि आपकी अपने आप में कोई औकात ही नहीं है। जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, आप अपने आप को यह नहीं बताओगे कि भाई यू आर अवेसम गाय, तू बहुत बढ़िया है, और तू जो भी मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, आई विल ट्राई टू मोटिवेट माई सेल्फ। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन करके अपने आप को सीना चौड़ा कर लेते हो कि हाँ यार ये बढ़िया है, भाई ये बहुत बढ़िया बोल रहा है मेरे लिए, हाँ ये हो जाएगा। 2-3 दिन तक आपके जो असर है, मतलब आपका जो उस वीडियो का असर आपके ऊपर इतना जबरदस्त चलता, वीडियो का या कोई भी स्पीच का या कोई नोवेल का या कोई भी ऐसी चीज का जो आपको मोटिवेट कर रहा हो, उसका असर 2-3 दिन तक बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन 4th दिन फिर आप अपने आप में आ जाते हो कि आप अपनी औकात में आ जाते हो कि आप ये आप ही हो। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप से आप बात करो कि यार रोहित बहुत बढ़िया हो रहा है, यार तू बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है नहीं पास हो पाया या नहीं सक्सेसफुल हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन तूने ट्राई बहुत बढ़िया किया। क्यों नहीं कर सकते हो आप अपने आप को मोटिवेट? क्योंकि आपने जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस को देखा होगा, जितने भी मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ा होगा, ये सभी दूसरे इंसान अपनी स्टोरी से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। पता है आपको ये बात? क्यों नहीं आप खुद के एक मोटिवेटर बन जाते? क्यों नहीं आप अपने आप को सुबह उठते साथ ये बोलो, यू आर अवेसम, नो वन इज अवेसम हियर, बिलीव इन योर सेल्फ, तू सब कुछ कर सकता है, तू ही है ये पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, तू है, तूने ही सब कुछ करना, सब बेवकूफ है। क्यों आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि आप जब तक अपनी इज्जत को अपनी नजरों में नहीं उठाओगे ना, तो कोई भी वीडियो, कोई भी स्पीच, कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। इन सभी चीजों का इंपैक्ट जो है 2-3-4-5 दिन तक चलेगा, 6th दिन आप वापस से अपने उसी माहौल में आ जाओगे जिस माहौल से आपने स्टार्ट किया। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। आपके पेरेंट्स आपको हमेशा यही चीज बताते हैं कि तू बहुत बढ़िया, हम उसको टेक इट अदरवाइज ले लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं हमेशा मैं बहुत अच्छा हूं। जब तीसरा इंसान, जो अननोन इंसान है, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है कि वो हमें बटरिंग कर रहा है या हमारे लिए अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, लेकिन उसने ये वर्ड बोला, हम अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों यार? जो इंसान हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, जो इंसान, मतलब मैं खुद अपनी लाइफ का इनोवेटर हूं,
फाउंडर हूं, जो हूं मैं हूं, मैं अपने आप से क्यों मोटिवेट नहीं हो रहा हूं, रीजन बताओ ना इसका यार। सो दोस्तों 8 पॉइंटों को बहुत ध्यान से समझना, जो कि आज आपसे आज अपने आप को खुद से मोटिवेट करने का काम करेगा। और ये चीजें कुछ ऐसी है जो आपको हर बार करनी पड़ेगी। सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ो, किसी एक्स इंसान की बायोग्राफी पढ़ रहे हो ना, उस एक्स इंसान का नाम काट करके अपना नाम लिखते चले आना, पूरी बुक पढ़ते चले आना, और उस इंसान की जगह अपने आप को इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, आपकी इज्जत अपने आप में खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सपोज आप कोई भी, जहां भी आपका बेडरूम है या जहां भी आप सोते हो, और जिस दिशा में भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा समय मेरी आंख जो है इसी समय इसी स्थान को देखते हुए खुलती है, वहां पे बहुत बड़ा बड़ा लिख दो यू आर अवेसम। इस चीज को जब आप सुनोगे, देखोगे, समझोगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपने 369 का रूल समझा है कि किसी भी चीज को हम जब 3, 6 और 9 बार लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी लाइफ में घुसना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने भी अपनी लाइफ में यही चीजें लिखनी है कि भाई तेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा, और कोई कर ही नहीं पाएगा। थर्ड पॉइंट समझना है कि कोई भी टफेस्ट सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में आपको यही समझना है कि यू आर ओनली चूजन बाय गॉड। भगवान ने सिर्फ आपको चूज किया है इस सिचुएशन को फेस करने के लिए, किसी और की औकात नहीं है। इस चीज को समझना। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हो, मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, या कोई बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, और ये आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है मेरे को हैंडल करना, तो समझ जाना कि भाई साहब यही मैं ही कर पाऊंगा और कोई कर भी नहीं पाएगा, मेरी जगह कोई और होगा तो नहीं हैंडल कर सकता। फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमेशा बना के रखिए। कोई भी चीज, कोई भी गोल आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए कि वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बस और कुछ नहीं सोचना है कि ये मेरे पास अवेलेबल है। मेरी ड्रीम कार है डिफेंडर, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसी में ही जाता हूं सुबह ऑफिस, उसी से ही वापस आता हूं। तो आप अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, समझना। फिफ्थ पॉइंट यहां पे ये समझना, नेगेटिविटी का कोई भी रोल नहीं है। कम से कम दिन में 36 बार आपको अपने आप को ये समझाना है। वॉलपेपर पे लगा दो, कार में लगा दो, आप अपने ऑफिस में लगा दो, अपने घर में लगा दो, यू आर अवेसम, तू ही कर पाएगा, हर जगह लिख दो। जब ये हमेशा दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि भाई तू ही अवेसम, अब कोई नहीं है। सिक्स पॉइंट यहाँ पे समझना, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको बिलीव सिस्टम होना चाहिए कि भाई कुछ भी तेरे से गलत नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। अगर कुछ गलत भी हुआ तेरे से, तो शायद ये तूने सही किया गलत करके। सेवन पॉइंट समझना यहाँ पे, हर चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करो, बहुत ज्यादा हौच पौच मत करो, चीजों को इस तरीके से प्लान करो कि एक एक करके चीजों को हैंडल कर सको। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट यहाँ पे समझना कि जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आए जो कि आपको लगे कि मुझे हिट बैक करेगा, तो समझ जाना ये वही मोड़ है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरमेंट में पहुंच गए, तो समझ लेना यही वो मोड़ आ गया है जब मैं यहां से वहां तक पहुंच जाऊंगा। सो मैं रोहित कुमार वैश, फिर मिलते हैं अपनी वीडियो में दोबारा से यहीं पे, शिलयुग पॉजिटिव पे।